नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। गंज बसौदा से दमोह जाने वाली एक्सप्रेस में सोमवार रात एक युवती ने युवक के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। चलती ट्रेन में युवक को झुलसता देख ट्रेन में सवार व्यक्ति ने कंबल डालकर आग बुझाई। आपको बता दें कि घटना गंज बसौदा रेलवे स्टेशन के आउटर पर रात करीब 8:30 बजे D4 कोच में हुई, जहां जीआरपी अफसरों के मुताबिक रात में भोपाल निवासी सचिन साहू के झुलसने की सूचना मिली थी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सचिन के भाई लोकेश साहू ने बताया कि सचिन विदिशा ऑफिस में काम करता है, 1.5 महीने पहले ही उसकी नौकरी ज्वाइन हुई है। वहीं घटना के वक्त ट्रेन में मदन बंसल भी थे। मदन का कहना है कि रात में नीचे की सीट पर पत्नी थी और मैं और बच्चे ऊपर की सीट पर बैठे थे। अचानक बेटी चिल्लाई कि पापा आग लग गई। देखा तो हमारी सीट के करीब एक व्यक्ति आया, उसके चेहरे पर आग लगी थी। मैंने जो कंबल ओढ़ा था उसी से उस व्यक्ति के चेहरे पर 4-5 बार मारा, इससे आग बुझ गई। पत्नी और बेटी भी घायल हो गए हैं। किसी युवती ने उस युवक के ऊपर एसिड फेंका है। युवक का चेहरा और हाथ भी पूरी तरह से झुलस गए हैं। अभी भी युवक कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसके बयान नहीं हो पाए। वहीं रेलवे SP ने मामले की जांच कर कार्रवाई की जांच के आदेश दिए हैं। लड़की ने उसके चेहरे पे तेजाब मार दिया। अच्छा, तो उसके चेहरे पे सर आग तो दरअसल थी। हाँ। हम लोग ऊपर सो रहे थे सीट पे। हम हाँ हाँ। तो सर ये लेटी थी नीचे की सीट पे। हाँ। तो ये तो हरदर यार्ड में निकल गई, धक्के धक्का में चली गई। कुछ लोग सारे लोग बाहर भागने लगे। ये लड़की ने इसमें तेजाब डाल दिया, तेजाब डालने से इसको झुलस गया था। आग सी लगी तो जो बगल में एक यात्री बैठा था उसने इसको बुझाने की कोशिश की है, और सफेद कोई बोरो प्रेस लगा दी, क्या लगा दिया था। लड़की का नाम बता नहीं रहा, वो जिसने सहायता की है उसका नाम है प्रेम रोग लग रहा साहब। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।